चलिए ठीक है, मैं देख लूंगी क्योंकि यू मे प्रोसीड प्लीज। या प्लीज, ओके थैंक यू। सेकंड को होस्ट करा दिया। अच्छा जी ठीक है सर। सो आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपने स्क्रीन ऑन करे होंगे, बिकॉज मैं भी देखना चाहती हूँ सुंदर सुंदर चेहरे यहाँ पर। तो आई होप सो आप लोग सब अपनी स्क्रीन ऑन करें। तो आज हम यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोडालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो है लामा फेरा। और लामा फेरा से एक, अगर हम लामास की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो ड्रेस में पहन के बैठी हूँ आप लोगों के सामने, आपको इन्हीं इसी ड्रेस में कुछ लामास बुद्धिस्ट जो है वो एकदम विजन में आते हैं, ठीक है। तो लामास वही होते हैं जो बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। एक सिंपल सा है, लामास वो होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी क्या है, ठीक है। सो आई जस्ट सी इफ आई एम एबल टू शेयर माय स्क्रीन। या थैंक यू सर, जस्ट वांटेड दिस, जस्ट अ सेकंड। हम आज थोड़ा सा दूसरी तरीके से चलेंगे। आज हम पहले लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को समझेंगे और फिर समझेंगे कि वो ये फिलॉसफी उनकी हुई क्यों, राइट। चलिए, लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी ये थी या है, हम ये मानना चाहे कहेंगे इसको, कि दुख क्यों आता है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, किसी ना किसी लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख आता जरूर। दुख आता क्यों है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, और अगर दुख आ गया है, ठीक है, तो उसका ओरिजिन क्या है, कि ये कहाँ से शुरू हुआ। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, जो दुख आता है, हम उसी में फंस के रह जाते हैं, उसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं कि भाई हमें यहाँ दर्द हो रहा है तो ये दर्द हो रहा है, तो इसी के ऊपर बाम लगाएंगे, इसी को हील करने की कोशिश करते हैं। बट जो इस दुख का ओरिजिन है उसके ऊपर कभी काम नहीं करते, राइट। जो दिखता है वही बिकता है, वही कहानी है हर इंसान की, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो। तो इस दुख और दर्द का जो ओरिजिन क्या है, ये उनका सेकंड फिलॉसफी है कि इसके ओरिजिन को आप ढूंढो। अब उस ओरिजिन को ढूंढने के बाद उसकी सत्यता तक पहुंचो कि आपका ये जो सफरिंग है या जो दुख है, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसको हील करने का या उसको ठीक करने का सही रास्ता कौन सा है। रास्ते आपके पास बहुत आएंगे, बहुत लोग भटकते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। आई डोंट वांट टू नेम ऑल दोस थिंग्स। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन सही रास्ता ढूंढना, दैट इज अगेन अ चैलेंज, है ना। उसके बाद उस रास्ते के ऊपर चलना, दैट इज द फोर्थ फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, राइट। आपको पता तो चल गया कि भाई हमारी सफरिंग कहाँ से शुरू हुई है और हमें इसको सही रास्ता क्या है, लेकिन उस रास्ते पे आप चलो। तो जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, आपकी सफरिंग कैसे जड़ से खत्म होगी, है ना। तो ये है लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी। अब ये लॉर्ड बुद्धा की ये फिलॉसफी आई कहाँ से। आप सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा एक राजा के बेटे यानी कि प्रिंस थे, राजकुमार थे, है ना। सभी को ये बात तो पता है। उनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्था था, और लुम्बिनी के वो बॉर्न हुए हुए हैं जो अब नेपाल में है। पहले तो सब कुछ एक ही था, वो तो बाद में बाइफिकेशन हुए हैं, रेखाएं खिंच गई हैं, बट है तो सभी एक ही। उसके बाद उनको जब कुछ चीजें उन्होंने देखी अपने किंगडम में, उनको वो भी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जब वो बॉर्न हुए थे तो एक साधु ने उनको कहा था कि या तो ये इंसान सन्यासी बनेगा और ये सब छोड़ पटक के चला जाएगा। तो ऑब्वियसली एज अ फादर प्रिंस जो किंग थे, उनको काफी इनसिक्योरिटी हुई कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा तो ये राजकाज कौन संभालेगा। तो उन्होंने सब तरफ से उनको पूरा जो किंगडम था, जो महल था उनका, उसको सील कर दिया कि ना ये बाहर की कोई तकलीफ देखेंगे, ना इनके मन में वो भाव पैदा होंगे कि इनको संन्यास की तरफ जाना है। अब लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में होता है या जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो, जो आपका सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेता है। अब लॉर्ड बुद्धा का जो सोल पर्पस था वो ये था कि दुनिया के दुख दूर करने हैं, लोगों की तकलीफों को कम करना है या खत्म करना। तो उनको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही गया। एक दिन उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं देखना चाहता हूँ अपने किंगडम को। जब वो 16 साल के हो चुके थे, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, तो अब जब वो देखना चाहते थे तो एक बहुत ही विश्वसनीय अपने सारथी को राजा ने उनको पूरा अपना किंगडम घुमाने भेजा और ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे पूरे किंगडम को कि भाई कोई भी दुख की चीज उनके सामने नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई दुख उनको दिखना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखना होता है वही जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। अब जब वो गए तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो उनको वो समझ नहीं आया कि ये किस तरह से उसका डिफॉर्मेशन हुआ है, ओल्ड हो गया, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, सब चेंज। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा, किसी की यात्रा जा रही थी, आखिरी यात्रा, वो भी उनको नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने सब क्वेश्चनिंग करते गए अपने सारथी से। फिर उसके बाद एक बहुत बीमार आदमी देखा, फिर एक सन्यासी को देखा, एस्थेटिक मैन, जो लोग बैठे थे उसके सामने, वो प्रवचन दे रहे। अब ये जो चार चीजें उन्होंने देखी, उन चीजों को से उन्होंने वो सोच में पड़ गए कि ये क्या है, ये साइकिल क्या है। बच्चा हुआ, बच्चा तो उन्होंने देखा था क्योंकि उनका खुद को भी था, शादी हुई, इंसान बड़ा हुआ, बीमार पड़ा, बूढ़ा हुआ और उसके बाद चला गया, और एक आदमी है जो सन्यासी, जो दूसरों को प्रवचन दे रहा है। तो ये जो कश्मकश थी, इसने उन्हें काफी सोचने पर मजबूर किया और यही रीजन था जो वो अपने महल से बाहर आ गए। एक दिन अंधेरी रात को सब कुछ छोड़ पटक के वो निकल गए। यहाँ से उनकी जो मैंने अभी चार ट्रुथ आपको बताए हैं, उसकी जो जर्नी है उन तक पहुंचने की वो शुरू हुई। देखिए, आप सब लोगों ने सिद्धार्थ की कहानी, लॉर्ड बुद्धा की कहानी सबने सुनी है, लेकिन उसके पीछे का जो एक्चुअल रहस्य है या यूं कहो जो पर्पस है वो थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज उनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि वो लोगों के दुख दर्द को दूर करें अपने तरीके से। बहुत महान लोग हुए हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन नाम है स्वामी विवेकानंदा, वो भी उसी रिल्म को को बिलोंग करते हैं। उनकी एक स्टोरी अलग है, बट हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो है, उसके बाद वो गए, उन्होंने तपस्या करी, ये इधर आए अपना पूना साइड पर जो बौद्ध गया है, वहां पर गए, वहां वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करते रहे, कुछ नहीं हुआ, पूरा बॉडी कंकाल बन गई, तो भी उनको कुछ एनलाइटमेंट ही नहीं, कुछ उनको दिख ही नहीं रहा था क्या हो रहा है, बस बैठे हैं। तो लोगों ने सोचा, चार उनके 5 डिसाइपल्स बन गए वहीं पर कि अरे ये कोई साधु तपस्या कर रहा है, तो वहीं बैठने लग गए, वहीं उनके आसपास बैठने लग गए, सब करने लगे, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक गांव की एक लड़की आई उनके पास और उसने उनको खीर दी और उनको उठा के बोला कि आप ये खा लो, आप बहुत कमजोर दिख रहे हो। अज्ञानता में उस लड़की ने ये कहा उनको, लेकिन उन्होंने जब वो खीर खाई तो उनको तृप्ति महसूस हुई कि हाँ, इस शरीर को चलाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हम क्योंकि इस दुनिया में हैं, हम यहाँ बॉर्न हुए हैं, तो हमारे सोल का कुछ पर्पस है, इसीलिए उसने हमारे शरीर को धारण किया है। और जब इस शरीर को धारण किया है तो इस शरीर को चलाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तब उन्होंने उस खीर को खाया, जाके नहा कर आए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया और फिर वो निकल गए फिर से। अब उनकी सच्चाई की जो है कि मुझे क्या करना है, मतलब मेरा सोल पर्पस क्या है, सिर्फ ये 4 चीजें ही पता करनी है कि साइकिल कैसे होती है, व्हील ऑफ लाइफ कैसा होता है, या कुछ और भी है। तब जाके उनको ये जब चीज का एहसास हुआ, तब उन्होंने जब मेडिटेशंस किए, जब वो ध्यान में गए, बौद्ध ट्री क्या है, बेसिकली वो एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे वो बैठ गए। और वहां उनको एक दिन अचानक से पूर्णिमा की रात को, जो बौद्ध पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, जो अभी पिछले महीने गई है, उस दिन रात को उनको अचानक से कुछ एहसास हुए, उनके अंदर एनलाइटमेंट्स आई, जो हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जीज जिनको बोला जाता है, यूनिवर्सल एनर्जीज या बुद्ध ज्ञान जिसको कहा जाता है, उसकी उनको वहां प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर एक इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य और है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जब उनको ये प्राप्ति हुई तो उनको लगा कि मैं तो सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिस चीज पे हाथ रखे वो सही हो जाती थी, क्योंकि उनको वो चीज मिल चुकी थी। एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं ना, जो ईश्वरीय ज्ञान होता है, उसकी प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन उस ईश्वरीय ज्ञान को संभालना आसान नहीं होता है, ये बात भी उनको रियलाइज हो गई। उनके दिमाग में ये चीज आई कि भाई अब जब मैं सबको ठीक कर सकता हूँ तो दुनिया में दुखी क्यों रहे, सबका दुख हटा देते हैं। लेकिन अगर सबका दुख हट जाएगा तो ये जो बैलेंस है, ये जो पांच तत्व हैं, जो धरती आकाश का जो एक बैलेंस चल रहा है, वो सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट। ऐसे में जो उनके सारथी थे, जिन्होंने वो चारों रिल्म उनके साथ देखे थे और सब चीजें उनके साथ समझी थी, उनको कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद उनको दर्शन दिए, उनके सारथी को, और उन्हें कहा कि आप इनको समझाओ क्योंकि आप ही की बात मानते हैं। और वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे सिर्फ एक ही वो मांगा, वो मतलब कि एक ये कहा कि जब तक आपके पास कोई आए नहीं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या ये दुख है मुझे इससे मुझे हटा दो, या ये मेरा दुख ठीक कर दो, तब तक आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि उनको भी इस चक्रव्यूह में फंसा दिया गया, राइट। अब इस चक्रव्यूह में जब वो आ गए और यह सोचने पे उन्हें मजबूर कर दिया गया कि अब क्या करूं, तब उन्होंने मंत्र जाप किए, मंत्र लिखने शुरू करे, अपने विचार लिखने शुरू करे। उनके जो 5 डिसाइपल्स थे वो उनको तरीके से फॉलो करने लगे और उन्होंने जो चीजें थी वो उनको लिखना शुरू करा, उनको समझना शुरू करा। मंत्र होते थे, मंत्रों को इस तरह से 4.5 लाख मंत्रास जो है वो लॉर्ड बुद्धा ने दिए और उनके थ्रू हीलिंग्स शुरू हो गई। अब 4.5 लाख, आई थिंक सो इट इज 4,50,000 और समथिंग, इस टाइप के कुछ हजारों हैं। और ये जो मैं पूरी आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ये कब हुई है? 620 BC में, 620 BC की बात है, बिफोर क्राइस्ट, जब लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। 1602 में ऐसा कुछ है उनका, शायद ये ऐसा कुछ है, बहुत साल पुरानी बात है। तो उस वक्त इतना लिखना लिटरेचर नहीं था, तो जो गुरु बोलते थे तो वो उनको कंठस्थ होना होता था, वो याद होना होता था और उसके थ्रू वो हीलिंग करते थे। तो इस तरह से ये लामा कई जो है वो लोग लामास बने जो उनकी इस फिलॉसफी को फॉलो करते थे। अब जो पद्धति आई, क्योंकि अब हर किसी को 4.5 लाख मंत्रा से तो हील नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। फिर धीरे 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 लॉर्ड बुद्धा ने कुछ सिस्टम्स बनाए अपने खुद के, लेकिन वो भी हम आम इंसानों को फॉलो करना इजी नहीं है, दे आर वेरी डिफिकल्ट। धीरे धीरे इसमें इम्प्रोवाइजेशंस होते गए, लोगों ने अपने तरीके से इसको थोड़ा चेंज करके इजी वे में बनाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली डॉक्टर सैनी, जो दिल्ली में बिलोंग करते हैं, SK सैनी जी, इन्होंने इन मंत्रास को, इस पद्धति को समझा, इसके ऊपर शोध किया, शोध मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया इन मंत्रास के ऊपर, और तब जाके उन्होंने लामा फेरा पद्धति को बनाया। और ये पद्धति बहुत पुरानी नहीं है। डॉक्टर सैनी जो है वो 1964 बॉर्न है, तो आप समझ सकते हैं कि ही वाज अ यंग मैन, लेकिन वो इन सब चीजों में इंडल्ज हुए और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इन मंत्रों को 12 सिंबल्स में ढाला। तो आप समझ सकते हैं एक एक जो सिंबल होता है लामा फेरा का वो कितना पावरफुल होगा, राइट। वो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्हें एनलाइटमेंट मिल चुकी है। और ये जो सिस्टम है ये हम लोगों के बीच में 1997 में उन्होंने ओपन करी, उन्होंने दीक्षा देनी शुरू करी। उनके स्टूडेंट्स जो है उनसे हम सीखते हैं आगे, और भी बहुत सारी हमारी लिनियज चलती है इसमें। तो ये जो है ये 1997 में ये पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज अ सिंबॉलिक बेस्ड हीलिंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लामा फेरा के बारे में बताऊंगी। अभी तक तो यहाँ हमने थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करी, क्योंकि ओरिजिन पता होना चाहिए ना किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, इसका ओरिजिन, इसमें हिस्ट्री में और भी बहुत कुछ है, बट वो ऑब्वियसली जब हम क्लास में आएंगे तब उसको हम और डीपली बताएंगे। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो सिंबल्स आए, ठीक है, अब ये जो सिंबल्स आए, अब ये सिंबल्स में उन्होंने इतना ये मंत्रों की शक्तियां डाल दी। इन सिंबल्स को अभी जैसे लोग बहुत मेरे से पूछते भी हैं कि इतना है आप बोलते हो, बहुत पावरफुल है, तो कितना पावरफुल है? तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, एक एक मंत्रा में लाखों मंत्रा की शक्ति है, 12 सिंबल में 4.5 लाख मंत्रा की शक्ति है। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए एक मंत्रा में कितनी शक्ति होगी। आज हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र बोलते हैं और हमें एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है ना। हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, हमें एनर्जेटिक फील होता है। ओम हनु हनुमंते नमः बोलते हैं, हमें एनर्जेटिक फील होता है, हमें लगता है हमारे डर खत्म हो गए, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, राइट। तब आप खुद सोचिए 4.5 लाख मंत्रों की शक्ति क्या क्या कर सकती है, राइट। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि लामास की तो मैंने बता दिया, अब फेरा क्या होता है। फेरा इसकी एक टेक्निक है, जो सबसे पहले जो बॉडी होती है जिसके ऊपर हीलिंग की जाती है, उसके आसपास 2.5 चक्कर लिया जाता है, उसको उस ऑरा में लेने के लिए जो भी हीलर है, जो लामा फेरा हीलर होते हैं, वो उसको अपने ऑरा में लेने के लिए 2.5 चक्कर लेते हैं उस बॉडी के आसपास और उसके सोल से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन पर्पस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सोल पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, तभी तो आप दुखों से निजात पा सकते हैं ना। नहीं तो आज ये हो गया, आज वो हो गया, इससे रिलेशन खराब, ये करियर नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं। बट आपका सोल पर्पस तो जानिए कि आप आए क्यों है इस दुनिया में, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। तो अब क्या है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आप जब ये सीखते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, फिर हम थोड़ा सा और लामा फेरा के बारे में बात करेंगे, या फिर जिसको क्वेश्चन है वो पूछेंगे। इससे अब आप सोचिए जब आपका सोल रियलाइज हो गया, आपके सोल की प्योरिटी हो गई, तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो स्ट्रेस हम लेके बैठे होते हैं हर वक्त का, किसी ना किसी चीज का, डिप्रेशन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हमारी एंजाइटी है, हमारे डर है, या अगर कोई ईवल स्पिरिट्स भी है, नजर दोष होता है, वो भी निकल जाता है इससे, ठीक है। फिर आप जो प्रैक्टिसेस करते हैं, आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, बट एक एज के बाद ही हम उनको ये हीलिंग्स दे सकते हैं क्योंकि बहुत पावरफुल होती है। अब कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है, देन आपकी विल पावर, ये आपके सारे चक्रास पे काम करता है, आपके ऑरास पे काम करता है, आपकी जो क्लेंजिंग होती है वो कंप्लीट पैकेज है। तो ऑब्वियसली हर एक चक्रा के ऊपर जब आपका काम होगा, हर चक्रा किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी किसी ना किसी सोच को रिप्रेजेंट करता है, हमारी किसी ना किसी बीमारी को, हमारी अच्छाइयों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये वहां काम करता है तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है विल पावर, तो विल पावर कहाँ से आती है? आप में से कोई बता पाएगा मुझे कौन से चक्रा को बिलोंग करती है विल पावर? मैं दिखाऊंगी आपको, सब बताऊंगी इसमें, बट आई एम जस्ट थोड़ा सोलर प्लेक्सस मैं ही बोले जा रही हूँ जब से। सोलर प्लेक्सस। तो विल पावर अगर कोई इंक्रीज कर रहा है आपकी, तो इट मींस इट इज वर्किंग ऑन योर सोलर प्लेक्सस, दैट इज मणिपुर चक्रा, राइट। तो इस तरह से वो चक्रास पे भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास्ट इश्यूज होते हैं, पास्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं, जो अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं, उनको भी बाहर निकाल देता है। एक्स्ट्रा इविल एंटिटीज जो आ जाती हैं उनको भी निकालते हैं। तो लामा फेरा की जो सिंबल्स हैं वो बहुत बहुत पावरफुल हैं। ये आपकी वास्तु हीलिंग में भी काम आते हैं, आपके जो स्पेस क्लीनिंग होती है उसमें भी काम आते हैं, आपको जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसेस हो, करियर हो, चाहे आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हो, यू नो, कुछ लोगों को होती है एंग्जाइटी होती, 4 जने आ गए तो एकदम घबरा जाते हैं, तो विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो घबराना अपने आप निकल जाएगा, राइट। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया विल पावर का, इससे कंप्लीट ऑरा चक्र आपका क्लीन होता है, फ्रॉम योर क्राउन टू योर रूट एवरीथिंग गेट्स क्लियर्ड आउट, ठीक है। वास्तु हीलिंग से अनबैलेंस्ड एनर्जी जो है, चाहे आपके अंदर हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, ये ओवरऑल सब पे काम करता है, ठीक है, बीमारियों पे काम करता है। बट अगेन वन मोर थिंग टू बी नोटेड, जो आपकी जो कोर इश्यूज होते हैं, कोर इश्यूज रादर आई वोंट से कोर इश्यूज, बट ये बहुत जो ऐसी चीजें होती हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, या ऐसी जो चीजें हैं जो बहुत सेल्यूलर लेवल पे है और ये किसी अलग तरीके से आई हुई है, वो इनको क्योर नहीं करता है कंप्लीटली, बट हाँ आपको रिलीफ जरूर देता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि लामा फेरा से ये चीजें ठीक होती हैं, तो प्लीज मैं आपको अभी बता रही हूँ ये चीजें कंप्लीटली नहीं जाती है लामा फेरा से, उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्लियर, ठीक है। अभी यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ बात करनी है तो प्लीज, फोरम इज ओपन फॉर यू ऑल, आप जो भी बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए, फिर मैं आगे, क्योंकि आगे और हमें करना है काम। हाँ जी, नो वन, मतलब अभी इट्स अ न्यू कांसेप्ट फॉर मी एक्चुअली, हु इज दिस एक्चुअली, मुझे आपका नाम दिस साइड मैम, हाँ जी संदीप दिस साइड मैम, दैट ग्राफोलॉजी आई एम जस्ट, ओके वेलकम संदीप जी, आपका वीडियो कहाँ है? सॉरी मैम, मैं कहीं किसी के घर पे हूँ तो मैं आई एम नॉट एबल टू ऑन द, बट आई हैव अ क्यूरियोसिटी टू जॉइन ऑल द क्लासेस, सो दिस इज माय साइड, सो जस्ट वांट टू नो मैम कि इसमें लामा फेरा जो आपने बताया, दिस इज बेसिकली मंत्रास बेस्ड, मतलब आप कहेंगे जैसे कि फिलॉसफी या मे बी काइंड ऑफ अ हीलिंग बेसिकली, या दिस इज अ हीलिंग, और ये मंत्रास बेस्ड नहीं है, ये सिंबॉलिक बेस्ड है, दैट व्हाट दैट पीपल कॉल्ड इट मंडालास, आई थिंक नहीं, मंडाला इज समथिंग, मंडाला का टोटली एक अलग मोडालिटी है, ओके maybe I heard somewhere, so maybe I'll tell you one thing, देखिए modalities, healing modalities, occult sciences, ये दो अलग चीजें हैं। हीलिंग वो होती है जो आप एनर्जी को यूज करके हीलिंग करते हैं, उससे सिंबल्स बनाते हैं मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके, और सिंबल, अभी हमारा स्वास्तिक है, ओम है, वो क्या है, दैट इज सिंबल, सिंबल्स ही हैं, यस यस, उसके अंदर एनर्जीज हैं जी, राइट, सेम वे इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनमें एनर्जीज हैं, मंत्रों की शक्तियां हैं, और वो आपके बॉडी के ऊपर बनाई जाती है जिससे हीलिंग होती है, ओके। तो दैट वी हैव टू चैंट फॉर इट और वी हैव टू हियर इट, यू डोंट हैव टू चैंट, वो प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस, अच्छा इट्स अ प्रोसेस बताया जाता है, हां इट इज अ मूवेबल प्रोसेस बेसिकली, अच्छा एंड हां ये नॉन टच थेरेपी है, इसका सिर्फ एक ही सिंबल है जो टच होता है, अदरवाइज सारे नॉन टच सिंबल्स है। ये मतलब जो हीलर है वो बेसिकली आपको टच नहीं कर रहा वो, बट ही और शी मे बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और मे बी हीलिंग यू विद द पावर्स, नहीं भी हो तो भी चलता है, ये डिस्टेंस से भी होती है, अच्छा ओके गॉट इट, ठीक है, बट वो ऑब्वियसली वो प्रोसेस है, तो वो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तब आपको डिटेल बताया जाता है कि किस तरह से आपको करना है मैम, बट ग्राफोलॉजी आई एम लुकिंग फॉर फ्रॉम योर साइड, आई एम जस्ट वेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स फॉर दिस एक्चुअली, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, नेक्स्ट वीक वी आर डूइंग इट और मे बी इट विल टेक सम मोर टाइम, सर वो सर हम थोड़ा बाद में बात करते हैं अलग से, अच्छा ठीक है जी, लामा फेरा, हाँ लामा फेरा का जो एक ऑरा बना हुआ है उसको हम उसी में रखेंगे, तो थोड़ा सा भी जी जी, सॉरी फ्रॉम माय साइड, सॉरी, इट्स ओके सर, इट्स ओके, ठीक है। तो ये जो है कहाँ, आई एम सॉरी, या तो ये जो हमारी हीलिंग मोडालिटी है ये आपके डायरेक्ट रूट कॉज के जो रूट होता है वहां पर जाकर काम करती है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। यहाँ तक आई होप सो एवरीवन इज क्लियर, यस मैम, यस मैम। तो चलिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें 3 स्टेजेस होती है लामा फेरा में, एक होती है हमारी जनरल हीलिंग जो एक ओवरऑल हीलिंग होती है, या आप डेली बेसिस पे नहीं, ऑल्टरनेट डेज होती है, ये आप कर सकते हैं। फिर एक होती है मेंटल साइड पर और एक होती है आपके फिजिकल साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस में ये हीलिंग को बांटा गया है। इसके दो लेवल्स हैं बेसिकली। लेवल वन में आप मास्टर हीलर बनते हैं और सेकंड में आप मास्टर टीचर बनते हैं, ठीक है। तीन फेजेस हैं इसके, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से है। फर्स्ट फेज में आपको 6 सिंबल सिखाए जाते हैं, सेकंड में आपको नेक्स्ट 6 सिंबल सिखाए जाते हैं और थर्ड फेज में सिद्धिकरण और आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस, ओके। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ऑरा और चक्र कैसे काम करता है। अभी तो मैंने आपको लामा फेरा के बारे में थोड़ा डिटेल दिया, देन आई टोल्ड यू अबाउट अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लामा फेरा, राइट, ठीक है। आपको ये भी बताया कि जो सिंबल्स होते हैं 12 सिंबल्स होते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब ये सिंबल्स भी हमारे ऊपर काम कैसे करते हैं और कैसे होता है कि सच में तकलीफ होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो खैर डिटेलिंग है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर बताऊंगी। यहाँ पर हर एक इंसान का ऑरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी मंदिर में, या मंदिर रहने दें, जैसे किसी साधु संत जो बहुत पहुंचे हुए साधु संत होते हैं, उनके एक अलग आभा होती है उनके आसपास, आप देखते अट्रैक्ट हो जाते हो, एकदम से आपको लगता है नहीं इनके सानिध्य में बैठना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। तो वो क्या है, वो एक ऑरा है उनका। और वो उनका ऑरा, उनके 7 ऑरा जो होते हैं हमारे, जो 7 हमारी लाइव्स होती हैं, उस लाइव्स तो नहीं कहूंगी, हाँ 7 हमारे वो होते हैं, स्टेजेस होती हैं। तो उसके ऊपर उनके जब वो डेवलप होते हैं, वो क्लीन आउट होते हैं, तब वो ऑरा दूसरों तक जाता है और उसी तरह से लोग उनके आसपास खिंच के आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप देखोगे जब कोई बहुत लो साउंड कर रहा होगा तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे जो लो फील करते हैं ना, वही आपके आसपास घूमते हैं। जब आप बहुत हंसी खुशी वाला माहौल होता है, सब घर में हैप्पी होते हैं, वो होते हैं, तो वही लोग आपके आसपास आएंगे जो खुश रहते हैं। नोटिस किया आप लोगों ने कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा ऑरा वैसा ही इमिट कर रहा है। हम खुश हैं तो हमारी खुशी इमिट कर रहा है चारों तरफ हमारे, अगर हम दुखी हैं तो दुख इमिट कर रहा है चारों तरफ, है ना। तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए हमारा जो ऑरा है, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी एनर्जाइज्ड, राइट। हर वक्त हमें ऑन द गो होना चाहिए। तो इसमें आपको लामा फेरा बहुत हेल्प करता है। अभी देखिए, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए, अगर आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको एक चीज दिखाई है। एक परफेक्ट ऑरा कैसा होता है ये आपको दिख रहा है। द पर्सन विद अ ब्लैक पर्सन जिसके चारों तरफ ब्यूटीफुल ऑरा, कलरफुल ऑरा, और वहीं पर जो अनहेल्दी ऑरा है आप देखिए कितना टूटा हुआ है। ये एक्चुअली डिजिटल मशीन से लिया हुआ है किसी का। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि डिजिटल मशीन से भी ऑरा कैसे चेक किया जाता है और किस टाइप से उसकी पिक्चर्स आती है। नाउ दिस इज एन अनहेल्दी ऑरा जो बीच में है। आप देख रहे हैं कितना टूटा फूटा है, या बीच में से गायब है, ये गायब है, यहाँ से कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, देख पा रहे हैं? और वही जो एक हेल्दी ऑरा है, जब हम उसको उसमें देखते हैं तो किस तरह से दिखता है देखिए। तो अब जो हमारी स्टेज होती है, जब भी हमें तकलीफ आती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डिजीज होते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारा ऑरा इस तरह से शो करता है हमारी ऑरा, मतलब चीजों को। तो उससे पता चलता है कि भाई तकलीफ कहाँ है, और उसके बाद उसकी हीलिंग्स होती है। और जब वो हील हो जाती है वो प्रॉब्लम, तो आपका ऑरा वहां से नॉर्मल हो जाता है, प्योर हो जाता है और इस तरह से दिखने लगता है, जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, अभी ऑरा की तो हमने बात कर ली, अब हम थोड़ा सा चक्रास पे बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को सबने बहुत, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेडिटेशन और ऑरा चक्रा, है ना, चैंटिंग्स, मेडिटेशंस, यही चल रहा है, राइट। लेकिन होता क्या है, ऑरा तो भी समझ आ गया कि ऑरा को क्लीन किया जाता है और इस तरह से उसके ऊपर वर्क किया जाता है। अलग अलग मोडेलिटीज में अलग अलग तरीके हैं इन चीजों को करने के। अब थोड़ा सा हम चक्रास के ऊपर ध्यान देते हैं। सबको पता है 7 चक्रास होते हैं, क्या आप में से कोई जानता है एक्चुअली कितने चक्रास होते हैं? जो यहाँ पर एक्यूप्रेशर वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर है कोई तो। 114 टोटल चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको मेजर और माइनर चक्रास भी कहा जाता है। मेरिडियन पे भी होते हैं, बहुत सारी हैं, वो टोटल मिला के होते हैं 114 चक्रास। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में 21 चक्रा पे भी काम होता है, बहुत सारी मोडालिटीज में 11 चक्रास पे काम होता है, कुछ मोडालिटीज में 9 चक्रास पे काम होता है, और जो लामा फेरा पद्धति है उसमें 7 चक्रास पे काम होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 114 वो है, या ये समझ लीजिए कि 7 पॉट्स हैं आपके पास, ठीक है? उस 7 पॉट्स के नीचे सारे पॉट्स हैं, तो इसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है? इनको अगर चार्ज कर लिया तो जितने भी बाकी चक्रास, बाकी ऑरा है, बाकी सब चीजें चार्ज हो जाएंगी। तो इसीलिए हम मेन इन 7 चक्रास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी आप मोबाइल चार्ज करने तो क्या करते हो, आप चार्जर लगाते हो ना, उसके अंदर पिन डालते हो अपने सॉकेट्स में और ऑन करते हो, जैसे ही स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है एंड यू आर गुड टू गो, राइट? तो इसी तरह से ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और जो हम मेडिटेशंस करते हैं अपने ऑरा और चक्रा के ऊपर, तो हमारे ये ऑरा और चक्रा जो है वो चार्ज हो जाते हैं, और जब ये चार्ज होते हैं तो वी आर ऑल गुड। सिंपल लॉजिक है, ठीक है? तो अब मैं बताती हूँ, यहाँ जो ऊपर होता है बेसिकली एकदम एग्जैक्ट यहाँ टच नहीं होता है कभी भी चक्रा, क्राउन चक्रा जो फर्स्ट चक्रा है जिसे हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ये होता है थोड़ा सा ऊपर। आप देखेंगे वहां पर भी टच किया है बट थोड़ा सा ऊपर है। इट इज बेसिकली 4 to 6 इंचेस ऊपर होता है, यहाँ पर होता है फर्स्ट चक्रा हमारा। इसको क्राउन चक्रा बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो है वॉयलेट, जो बैंगनी कलर होता है, पर्पल वाला, ठीक है? वो कलर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई, जहाँ आप देख रहे हैं मेरा तिलक लगा हुआ है, तो ये थर्ड आई चक्रा होता है। ये इसमें एक्चुअली वो कलर गलत हो गया है, डार्क ब्लू ऊपर आएगा, लाइट ब्लू नीचे आएगा, सॉरी फॉर द स्क्रीन कलरिंग। तो ये होता है इंक ब्लू कलर, जो हम इंक भरा करते थे ना बचपन में पेन में, इंक कलर, वो कलर होता है यहाँ पर, दैट इज इंडिगो, जिसको हम इंडिगो कलर बोलते हैं, ठीक है? इट रॉयल ब्लू मैम, डीप ब्लू, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, डीप ब्लू, रॉयल ब्लू होता है, लेकिन इंक ब्लू से सबको ज्यादा समझ आएगा सर, क्योंकि पेन में इंक सबने भरी है, हाथ भी गंदे करे हैं, तो वो कलर किसी के भी दिमाग से जा नहीं सकता है ना? अपने कपड़े भी खराब करे हैं उससे, स्कूल टाइम में सबने ही करे, कोई नहीं अछूता होगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है थ्रोट, गला, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा शब्द निकलते हैं। अच्छा चलिए, सॉरी, मैं पहले क्राउन चक्र के बारे में बता देती हूँ आपको, हाथ के हाथ करते जाते हैं उसको। तो जो हमारा क्राउन चक्रा है, ओके, तो जो क्राउन चक्रा होता है वो हमारी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो जो ये कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा होता है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हमारे ईगो को, हमारा वर्ल्ड जो है, हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, और एक स्पिरिचुअल लेवल होता है जो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होता है, या यूं कहें हम यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो आप यूनिवर्स से कब कनेक्ट हो सकते हो? जब आपका ईगो खत्म होगा, है ना? मैं, जब आपका मैं खत्म हो जाता है तब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो, राइट? तो इसको एक्टिवेट करना है तो अपना मैं खत्म करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है बट हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? उसके बाद जो मैं थर्ड आई की बात कर रही हूँ, ये हमारी इनसाइट्स हैं, जो लोगों को कहते हैं ना, हमें इंट्यूशंस हो जाती हैं, हमें पहले से पता चल जाता है, इंट्यूटिव होते हैं कुछ लोग, फिर कुछ चीजें समझ आती हैं, आपकी मेमोरी होती है, क्योंकि इसी के पीछे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, बिल्कुल इसके पीछे, तो वही एक्टिवेट, सारे काम वही होते हैं हमारे, है ना? मेमोरी हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे आप सही सोच हो, सब कुछ यहाँ। तो इसको हम इनसाइट्स के ऊपर काम बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा को। ये हमारे इल्यूजन्स जो जितने भी है ना, कि हम ये मेरा घर, ये मेरी बॉडी, ये मेरा 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 जितना भी इल्यूजन है, ये सब यही से पैदा होता है। ठीक है, जैसे अभी शायद मुझे इल्यूजन आ रहा है कि सबके वीडियोस बंद है, एम आई राइट? मेरा तो ऑन है। नहीं, जो दिख रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं दिख रहे मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी अपना वीडियो बंद कर देती हूँ, सब लोग बंद कर दो, फिर ऐसा लगेगा जैसे कहीं से आकाशवाणी आ रही है और आप लोग आराम से बैठ के सुन रहे हो, मजा आएगा उसमें, है ना? वीडियो की क्या जरूरत है, फिर हम ऑडियो से काम चला लेते हैं ना, राइट? नो मैम, आप तो मैं चाहिए, तो फिर मुझे भी तो आप चाहिए हो ना। चलिए, देखिए कोशिश कीजिए, जो कर सकते प्लीज कीजिए, अच्छा लगता है ना? चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है सच्चाई। सच्चाई कहाँ से निकलती है? थ्रोट चक्रा से। हम क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द यूज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ से शब्द निकलते हैं, यहाँ वर्ड्स फॉर्मेशन होती है हमारी, है ना? कहते हैं ना, जीभ पे कंट्रोल रखो, आपकी आवाज। आप देखो, आप जब मेडिटेशन करते हो तो कितना सॉफ्टली बात करते हो, जब किसी को गुस्सा करते हो तो कैसी आवाज निकलती है, जब आप गुस्सा कर रहे हो तो ये भी खराब है, ये भी खराब है, बाकी के नीचे के सारे चक्रा खराब पड़े, है ना? तो ये इफेक्ट हो गया। इसका कलर होता है लाइट ब्लू, दिस इज द थ्रोट चक्रा। ठीक है, जो स्काई ब्लू कलर होता है ना, एग्जैक्ट स्काई ब्लू कलर इसका होता है सच्चाई का। ओके, इसके बाद आता है आपका हार्ट चक्रा, दैट इज ग्रीन। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब बारिश होती है ना तो पेड़ों को देख के कैसी फीलिंग आती है आपको? बताएं बताएं, जब बारिश होती है सारे पेड़ धुले धुले होते हैं तो कैसा लगता है? पेड़ भी खुश और हम भी खुश, खुश है ना? इसीलिए हार्ट चक्र का कलर ही ग्रीन है। जब आप खुश होते हो ना तो आपको हरा भरा लगता है। कितना कनेक्टिविटी आप देखिए। ठीक है, तो हमारे हार्ट चक्रा का कलर भी इसीलिए ग्रीन है। कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, मतलब आप बहुत खुश हो। सो दैट इज ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा प्यार, हमारा दुख, हमारी तकलीफें। जब दुख और तकलीफें हट जाएंगी तो आप प्यार ही प्यार होगा, और प्यार ही प्यार होगा तो खुशी रहेंगे। ठीक है, अब आता है सोलर प्लेक्सस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है, दैट इज द येलो कलर। आग किस रंग की होती? पीली दिखती है ना, उसमें थोड़ा ऑरेंज कलर होता है, बट बेसिक जो आग का कलर होता है, फायर का कलर, दैट इज येलो, है ना? आप लोगों ने सुना ही होगा, जठर अग्नि, पेट की आग। सोलर प्लेक्सस उसको रिप्रेजेंट करता है। वो विल पावर है आपकी। आप अच्छा एक बात बताएं, बहुत कई दिनों तक किसी ने खाना नहीं खाया होगा तो उसमें शक्ति होगी जरा सी भी किसी भी चीज को समझने की, सोचने की? तो जब वहां आग ज्वलित रहती है तब आपकी विल पावर भी स्ट्रांग रहती है। बिजनेस में आग की जरूरत है, आपकी विल पावर स्ट्रांगनेस की जरूरत है। आपको सेल्स करने जाना है कहीं, आपके अंदर आग ही नहीं है, ठंडे पड़े हैं, क्या किसी को समझाओगे? वो फायर होनी चाहिए, और वो फायर हमें कहाँ से मिलती है? हमारे सोलर प्लेक्सस से। इसलिए इसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये डिप्लीट कब होता है? जब शेम आ जाती है। शेम का मतलब है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ शेम का मतलब कॉन्फिडेंस से है। ओके, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कब नहीं है? या तो आप मतलब, चलिए एक बात बताएं, आपको पार्टी में जाना है और सुबह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बार बार बाथरूम भाग रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा पार्टी में जाने का? और जबकि पता है वो बिजनेस पार्टी है, नहीं। तो विल पावर कहाँ गया? जीरो, खत्म। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। सोलर प्लेक्सस के भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर हमारा सिर्फ सोलर प्लेक्सस भी बहुत स्ट्रांग है तो आप देखेंगे लोग एकदम आगे बढ़ जाते हैं और उनको हर चीज मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ आपके सेक्रल चक्रा पर, जो नीचे की तरफ होता है। सोलर प्लेक्सिस हमारे नाभि चक्र के ऊपर होता है और सेक्रल चक्र नाभि के नीचे होता है, ठीक है। वो पोजिशनिंग मैं आपको बाद में बता दूंगी, एग्जैक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। तो जो ये सेक्रल चक्र है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है और दिस रिप्रेजेंट्स आर प्लेजर्स। प्लेजर्स एज इन आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसको रिप्रेजेंट के इसके अंदर आते हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, किडनी क्या करती है, फिल्टरिंग करती है ना, लिक्विड आपकी बॉडी का फिल्टर करके इट एक्सक्रीट्स, राइट। तो ये जितने भी चीजें हैं, वो जितना भी नीचे का पोर्शन है आपका नाभि के नीचे का, वो सारा सेक्रल चक्र रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में या रिप्रोडक्शन में या इन चीजों में, तो या तो वो ओवर एक्टिव होता है या पूरा डिप्लीटेड होता है, तो वहां पर भी काम किया जाता है। सेकेंड लास्ट आता है हमारा रूट चक्र, रेड कलर, जहां आप बैठे हो ना, जहां आपकी सीट है वो वहां होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ बैठ रहे हो। देखिए हर चीज का एक मतलब है, आप कहाँ बैठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपका सर्वाइवल है, ठीक है। तो रूट चक्र रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वाइवल को, उसमें आपके फाइनेंसेस भी आते हैं, ऑब्वियसली आपकी लग्जरी भी आती है, आप किस तरह से जीना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, वो सब आ जाता है इसमें। लेकिन ये डिप्लीट होता है जब आपके मन में डर आता है, अरे मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये मैं मेरे से होगा या नहीं, वो जो डर होता है ना वो इसको खत्म कर देता है, आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता, इसलिए आप तक चीजें नहीं आती। इसको कहते हैं हम कि ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करना। तो सबसे पहला ब्लॉकेज हम बाकी और कहीं से नहीं, यहीं से क्रिएट करते, रूट चक्र से, ओके। तो जो हम इसमें एक्सरसाइजेस करवाते हैं लामा फेरा में, मेडिटेशंस में, जब हम कोई भी ऑरा चक्र या किसी भी तरह की कोई भी मोडालिटी होती है तो उसमें हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि वो जो चक्रास में भी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी नसों नाड़ियों में जो ब्लड फ्लो होता है वो भी एनर्जीज के थ्रू होता है, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताएं, हम खड़े ऐसे हैं, ग्रेविटी सबको पता है, ग्रेविटी क्या करती है, चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, ये बात तो एक नॉर्मल है, फिजिक्स में सबने पढ़ लिया है ना। अब जब वो नीचे की तरफ खींचती है तो चलो ये बात तो प्रूव होती है कि हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो नीचे की तरफ खिंच रहा होगा, चलो ऊपर की तरफ कैसे जाता है, वो तो एंटी एनर्जी ग्रेविटी हो गया ना, हम तो खड़े हैं। सो ये सब चीजें हैं, लेकिन एनर्जी भी होती है कुछ, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती है, और जब एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती है तो सारे रास्ते हमारे खुलते चले जाते हैं। हाँ, जब ये एनर्जी फ्लो करना कहीं पर बंद कर देती है वहां पर ब्लॉकेज होता है, और जब ये ब्लॉकेज होता है तो आपका ऑरा, ये जो बीच में दिख रहा है, इस जैसा हो जाता है। कैन यू रिलेट एवरीथिंग नाउ, किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, क्या होता है हमारे साथ। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास हीलिंग मोडालिटीज होती है, जिसमें से एक लामा फेरा है। बहुत लोग रेकी भी जानते होंगे, बहुत लोग हुंकारा भी जानते होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी है, बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी मोडालिटीज हैं। तो हर मोडालिटी में एनर्जी वर्क होता है। अब ये आपका जो सेंस होता है वो कैसे किस चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपके इंडिविजुअल इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अभी यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज पूछिए। मैम जो 7 चक्रास है वही मेन तो वही हो गए ना, जो 114 आप बता रहे हो वो तो आप ये समझ लीजिए एक ट्री की ब्रांच हो गई बेसिकली। आप इसको ऐसे माने, हम आप लोगों ने सबने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है ना। आपको पता है मेरिडियंस भी होते हैं, मेरिडियंस पता है, मेरिडियन नहीं मैम, सॉरी मेरिडियन का तो नहीं आइडिया। तो जिन लोगों ने बायो पढ़ा है उन्हें पता होगा, ये हमारे शरीर में जो नसें होती हैं नसों के अंदर जो ब्लड होता है, WBCs, RBCs और ये जितनी भी चीजें हमारा सब सिस्टम चल रहा है, ठीक है। एटम्स भी हैं, सेल्स भी हैं, सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एटम है, मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेल्स कहा जाता है, जिसको हम सेल्यूलर कहते हैं। सेल्यूलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पे नसें नाड़ियां हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं और उसके अंदर सेल है और सेल के अंदर होते हैं मेरिडियंस। ये वर्क इस तरह से पूरा इसका वर्किंग चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब आपका जो मेरिडियंस होते हैं और ये जो चक्रास होते हैं, अभी चक्रास तो मैंने आपको ऐसे बता दिए, यहाँ पर भी चक्र आपको पता है, ये प्रेशर, ये पॉइंट अगर मैं प्रेस करूंगी तो मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा, ये मेरे सिर से जुड़ा हुआ है, यहाँ प्रेस करूंगी तो भी हेडेक खत्म होगा, यहाँ करूंगी तो भी खत्म होगा। हमारे कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं बॉडी में इसी तरह से जो मेरिडियन से जुड़े होते हैं, जो इन जनरल बहुत डीप स्टडी है, ओके जी। तो ये सब चीजें इसमें कवर अप हो जाती हैं, जो आपको वही कहा ना, अभी आप 4.5 लाख मंत्रा तो चैंट नहीं कर सकते, उनके थ्रू तो आपको हीलिंग करना होता है, आप समझ लो एक जन्म के 1000 जन्म लग जाएंगे समझने में, जी जी जी, है ना। तो अब ये 12 सिंबल समझने इजी है, उसी तरह से आप इसको समझ लीजिए कि जो 114 आपके वो है चक्रास है, उसकी जगह सिर्फ 7 चक्रास में आपको सब कुछ कंबाइन करके दे दिया गया है, ठीक है, ओके। तो ये एक बिग पिक्चर व्यू है उसका, फिर वो इनसाइड जो है वो अलग है, उसमें आप ना पढ़े क्योंकि वो फिर बहुत डीप स्टडीज है। आई गॉट यू जी, ऐसा होता है जी, है ना। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो गया है कि हम किस तरह से लामा फेरा में काम करते हैं। मैम यह एक चीज आपसे बोलना था, लास्ट क्लास में आप बोले थे और मैंने ये भी सुनी थी कि लामा फेरा नेगेटिव एंटिटीज को रिमूव करता है। तो मैम नेगेटिव एंटिटीज क्या सिर्फ किसी का नजर ये होता है या फिर नेगेटिव एनर्जी जितना भी होता है, क्योंकि बोले थे तो वो माना जाता है। नेगेटिव एनर्जीज दिखना, नेगेटिव किसी की नजर लगना, किसी का ब्लैक मैजिक होना, वाइट मैजिक होना या कोई तंत्र मंत्र हो जाना, ये सब जो चीजें होती है, ठीक है, कुछ लोगों को महसूस होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। कुछ लोगों को इस तरह से महसूस होती है कि उनके काम रुक जाते हैं, काम नहीं आगे बढ़ता होता है उनमें, उनको नुकसान हो जाता है उनको, हाँ, नुकसान हो जाएगा या फिर कुछ जैसे बीमारी लग गई, आपको पता ही नहीं क्यों लगी है, आप इलाज करा रहे हो ठीक ही नहीं हो रही, फिर हम इन चीजों में जाते हैं ना कि भैया ऐसा क्या प्रॉब्लम आया है, कहाँ पर अटक गया है जो ये चीज हमारी आगे ही नहीं बढ़ रही है, कहाँ हम अटक गए, कहाँ ब्लॉकेज आ गया। कुछ चीजें हमारी दवाइयों से ठीक हो जाती है, बुखार आया ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दिया आप ठीक हो गए, या वैसे भी 3 दिन में बुखार तो नॉर्मल वायरल उतर ही जाता है, ठीक है, ये तो हमें पता है सिस्टम। लेकिन अब किसी को कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो समझ ही नहीं आ रही, ठीक ही नहीं हो रही, है ना। तो वहां पर ये जो एनर्जीज होती हैं ये वहां काम करती है जाके, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस ये 12 सिंबल्स में ये सब चीजें ध्यान में रख के वो 12 सिंबल्स बनाए गए हैं, तो उससे सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। मैम जो ये 12 सिंबल हैं ये हमने किसी पेपर पे बनाने हैं या हवा में बनाने हैं, जैसे हम जीबू सिंबल्स यूज करते हैं या रेकी में यूज करते हैं, तो ये हम हवा में बनाते हैं। तो ये जो 12 सिंबल है ये हमने बनाने किस में है? देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। रेकी में आप लोग क्या करते हो, रेकी में आप लोग अपने हैंड्स पे सिंबल बनाते हो और उसकी एनर्जी सामने वाले को, जो भी रिसीवर है उसको देते हो। जहां तक मेरी रेकी की समझ है वो यही है। Yes, ma'am. यहाँ पर आप डायरेक्ट जो पेशेंट है, जी आप पेशेंट तो नहीं कहूंगी, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, जो रिसीवर है आप डायरेक्ट उसकी बॉडी पे वो सिंबल्स बनाते हो, ओके। और जब आप डायरेक्ट बॉडी पे बनाते हो तो उसका इफेक्ट अलग होता है। आप एक मीडियम बनते हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, आप एक मीडियम, ठीक है। जैसे कैटलिस्ट पढ़ा है ना सबने, कैटलिस्ट तो बहुत लोगों को पता होगा क्या होता है, कि वो प्रोसेस में तो पार्ट लेता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए या बिना अपनी आइडेंटिटी चेंज करे. दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, है ना. तो हमको भी वही बनना है, हमें भी सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बनना होता है. इसमें जो एनर्जीज होती हैं वो आती हैं हमारे थ्रू रिसीवर में जाती है एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन हम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. ओके, जैसे कहते हैं कि हीलिंग्स करने वालों के ऊपर असर पड़ता है, तो वो नहीं पड़ता इसमें. देखिए, हीलिंग करने वाले पे असर तब पड़ता है जब जो हीली है ना प्रोटेक्शन नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं करता है. नहीं, लोग कहते हैं असल में हम लोग तो कर ही गए आजकल. मैं आपको बता रही हूँ क्यों होता है, मैं आपको बता रही हूँ क्यों होता है. क्योंकि जब आप देखो, हीलिंग करना ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने कुछ बोला कि यार मैंने ये पद्धति सीख ली, अब तो भाई मेरे पास नोट्स आ गए हैं और मैंने पढ़ के मैं हीलिंग कर दूंगी. अरे भाई, आप कर क्या रहे हो? आपके अंदर एनर्जी आपने किधर से लेकर आए हो? कुछ नहीं लाए, आप पढ़ के मंत्र पढ़ रहे हो ना. ये तो बस फिर उसको आपको अपने अंदर समाना पड़ता है. आपको वो एनर्जी सोर्स पहले बनना पड़ता है, अपने आप को हील करना पड़ता है, आपके खुद के ब्लॉकेजेस हटाने पड़ते हैं. हीलर बनना चुटकी बजाने का काम तो नहीं है. राइट? हम कोई उस लेवल के सन्यासी महात्मा और वो तो नहीं है जो भैया उन्होंने हजारों लाखों, लेकिन उन लोगों ने भी तो खैर हजारों लाखों सालों की तपस्या करी होती है, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचते हैं, है ना. और आपको हमें क्या लगता है कि हम भैया बाहर से किसी को गाली देकर आए, अंदर बैठे और भाई चुटकी बजाई और हम हीलर में कन्वर्ट हो गए? ऐसा हो सकता है कभी? तो उसके लिए बहुत, देखिए, तपस्या हर चीज में है. इवन आप ABCD भी जब बचपन में लिखा था ना तो प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, ऐसे नहीं आ गया था एकदम, है ना. पेंसिल पकड़ने की भी आदत हमने डाली थी, पकड़ पकड़ के लिखना शुरू किया था, तब जाके एक फॉर्मेट बना था हाथ से पेंसिल पकड़ने का. तो हर हीलिंग मोडेलिटी में भी वही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेडिटेशंस नहीं करेंगे, अपने आप को उस स्पिरिचुअल लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप खुद अपने आप को एक हीलर नहीं समझेंगे. और ये मैं सबको बोलती हूँ कि जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब हम दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं, तब आप एक्चुअल में हीलर, है ना. Yes. तो इस तरह से है ये चीजें. और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एक रोप मैंने पहना है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोटेक्शन रोप. एक्चुअली मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगी, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो एनर्जीज को रिपेल करते हैं और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. जैसे जो ब्लैक कलर होता है वो हम अवॉइड करवाते हैं, डार्क ब्लू कलर हम अवॉइड करते हैं जब हीलिंग करेंगे. बाकी अदरवाइज सबका अपना इंडिविजुअल है, जो करना है आप करें. जिस वक्त आप हीलिंग करते हैं, इसीलिए हमने एक कॉमन रोब बनाया है जो प्रोटेक्शन रोब आप इसको कह सकते हैं, मरून रोब कहते हैं. तो ये आपको क्या होता है ना, ये कॉमन कलर हो गया, ठीक है. तो ये आपकी जो एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट भी करके रखता है, और जब आप हीलिंग्स करते हैं तो ये हीलिंग को भी रोकता नहीं है, वहां तक भी एनर्जी लेके जाता है. इसको बेसिकली अगर मैं कहूँ ना तो ये अर्दन कलर है. जो मदर अर्थ की एनर्जी होती है वो रेडिश ब्राउन ही होती है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर ही है अगर आप इसको देखेंगे. ओके, तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ग्राउंडेड बेसिकली व्हेन यू वेयर दिस, ठीक है. उसके बाद स्केचू माला है जो मैंने पहनी हुई है. इसके बाद हमारा एक हीलिंग वैंड आता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का वैंड है. उसके बाद बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की एक फोटो होती है जिसके अंदर यंत्र बना होता है और सिंबल्स बने होते हैं. और 4 अर्दन स्टिक्स होती है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ. ये इस तरह का एक किट आता है हमारा. ये लॉर्ड बुद्धा का सिंबॉलिक पिक्चर है. ये 4 वुडन स्टिक्स आती हैं. ये स्केचू माला है जो मैंने पहनी हुई है. ये पीपल ट्री की बोधी माला इसको कहा जाता है. प्लीज कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अंदर सिंबल्स गड़े होते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इट इज नॉट अ सिंपल वन। दिख रहा है आपको, ये गुदी भी मान लो गुदे हुए हैं, एक एक बीट गुदा हुआ है। ओके, तो ये इस तरह से आपके इसमें किट में आता है। ये हमारा बैंड है जिसके थ्रू हम हीलिंग्स करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंबल्स बनाते हैं, ठीक है। देन ये जो मरून रोब है ये हमारी किट में आती है, ये फ्री साइज होती है, ठीक है, तो इसको सब पहन सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इट्स अ लूज थिंग लाइक। तो ये इस तरह से ये हमारा पूरा किट होता है इसका। और जब आप किसी की भी हीलिंग करते हैं तो प्रोसेस के अकॉर्डिंगली वी यूज दिस किट और हम हीलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल एवरीवन। अब इसके आगे अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आचार्य जी को। मैम जैसे ये हीलिंग किट है हमारी, अगर बाई चांस हम जैसे हीलिंग्स वैसे और बाकी मॉडलिटीज में हम लोग क्या करते हैं, रेकियो घर में हम लोग कहीं भी हैं तो बैठ के हम किसी को हीलिंग भेज सकते हैं, तो अगर हमारे पास किट नहीं है तो क्या हम नहीं कर सकेंगे? देखिए इसमें अर्दन स्टिक्स इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा ये जो 12 सिंबल्स है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा होती है, तो जब गुरु ने हमें कहा है ये करना है और इसको इसी तरीके से करना है तो हम क्वेश्चन नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब हम इन चीजों को यूज करते हैं तो पहली बात तो कि प्रोटेक्शन होती है। मैंने कहा आपको अर्दन है, आप ग्राउंडिंग ऑलरेडी आपकी हो गई जब आपने मरून रोब पहन लिया है ना। और यहाँ पर क्या होता है ना, अब आप खुद सोचिए जब ये 12 सिंबल्स इतने पावरफुल हैं तो इनका एनर्जी कितना आता होगा आपके अंदर, आप एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो ना, भले आप मीडियम हो लेकिन शरीर तो आप ही का है, राइट। तो जब आप इन चीजों को इन्वोक करते हो और फिर दूसरे को देते हो तो आपको प्रोटेक्शन की कितनी सख्त जरूरत है। तो स्केचू माला है, ये बोधी माला है, बोधी ट्री से, बोधी ट्री इज द पीपल ट्री जहां पर उनको एनलाइटमेंट हुई थी लॉर्ड बुद्धा को, उसके ही उससे बनी है ये। और एक ही पेड़ नहीं है, उन लोगों ने बहुत सारा प्लांटेशन किया है। प्लीज डोंट थिंक कि वो प्रॉपर उसी एनलाइटेड ट्री में से बाहर निकलती है, उसकी बहुत सारे फिर उन्होंने प्लांटेशन किया उसी ट्री का पार्ट से, ठीक है। और फिर उनको करके क्योंकि ये बहुत बनती है और ऑर्डर पे ही बनवाते हैं स्पेशली, ठीक है ना। ऐसे मिलेंगी, बहुत मिलेंगी, बहुत अलग अलग तरीके की मिलेंगी, मोटी पतली छोटी, बट हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है इसमें तो हम इसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये माला भी आपकी यूज होती है हीलिंग प्रोसेस में, आपको इसको इससे भी वो हीलिंग करनी होती है, तो ये माला तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। और सिंबॉलिक है, इसमें मैंने आपको दिखाया कि सिंबल्स भी गुदे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अर्दन स्टिक्स है, जो अर्दन स्टिक मैंने आपको 4 अर्दन स्टिक्स है, मतलब लकड़ी की स्टिक्स है जो अर्थिंग के काम आती है। अभी हम तो प्रोटेक्ट हो गए, हमने तो ग्राउंडिंग कर ली अपनी, है ना, लेकिन जो रिसीवर है उसको भी तो थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग होना चाहिए ना। तो उसके अंदर हमने तो भैया सिंबल्स डाल दिए, अब वो एनर्जी कितनी ज्यादा उसके अंदर आई तो उसको भी थोड़ा सा मूवमेंट होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम अर्दन स्टिक्स यूज करते हैं। उसके नीचे वहां पे भी पर्टिकुलर बताया जाता है कि कहाँ रखनी है बिकॉज दे आर ओनली 4, तो उसका कुछ पर्पस है, ठीक है। फिर आता है आपका ये बैंड, मैं तो इसको मैजिकल बैंड बोलती हूँ बिकॉज दिस इज रियली मैजिकल। बचपन में सबको एक फेरी या कुछ ऐसा बनने का सभी को शौक होता है, तो अब ये लावा फेरा ने हमारे हाथ में पकड़ा दिया है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्लियर कॉर्ड्स का डस्ट होता है, ठीक है, जो बहुत पावरफुल होती है। क्लियर कॉर्ड सभी को पता है, जो भी हीलिंग मोडालिटीज से रिलेटेड है तो पता है कि क्लियर कॉर्ड्स इज रियली नाइस, मतलब बहुत वर्क करता है। तो ये दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, एक मिनट मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कांच का दिख रहा है आपको, और ये दूसरी तरफ, ठीक है। दिस इज द लामा फेरा स्टिक जिसको कहा जाता है। इस पर लॉर्ड बुद्धा का मंत्र एनग्रेव्ड होता है, जो हमें चैंट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा लामा फेरा का हमारा प्रोसेस भी होता है विथ कंप्लीट थिंग। कोई भी मोडालिटी जब आप शुरू करते हो, सीखते हो, तो आपको मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगते हैं हीलिंग करने में। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी, तो वही जो आपके 45 टू 30 मिनट्स हैं वो कम होके 15 टू 20 मिनट्स आ जाता है, बिकॉज यू आर यूज टू इट। आपकी जल्दी से एनर्जीज आएगी, सब कुछ फटाफट फटाफट होता है, ठीक है। इसका क्या प्राइस है वो सब बताएंगे अभी, वो मैं आचार्य जी को दे रही हूँ, तो ही विल गाइड यू टू ऑल दोस यू नो एकेडमी। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज सर एक मिनट तुलिका जी का क्वेश्चन लेके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ मैम बोल रहे हैं कि अभी एक मैडम ने क्वेश्चन की थी कि हम लोग तो बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज में है, अगर यहाँ पे बैठ के हमको दूसरे किसी का हीलिंग करना है तो मैम डिस्टेंस हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, तब ये सब से ही डिस्टेंस हीलिंग होगा ना? मतलब ये हम लोगों का जो आप लामा फेरा का दिखाए। जी बिल्कुल, ये मैं पूछना चाहती हूँ। उसका तरीका होता है वो हम आपको सिखाते हैं कि आप डिस्टेंस हीलिंग भी कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हर जगह होगा ना, हर इंसान का इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। हाँ जी 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 बिल्कुल, हर इंसान का हर जगह पहुंचना मुमकिन नहीं है, हाँ है ना। और आपके पास जब रिसीवर्स आते हैं जो जिनको सच में तकलीफ होती है, जब आपको अप्रोच करते हैं, तो वो कहीं से भी हो सकते हैं, आप हर जगह तो नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको डिस्टेंस हीलिंग भी सिखाई जाती है कि आप इस तरह से उन तक अप्रोच उनको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कैन यू प्लीज गिव मी होस्ट राइट्स। हाँ मैडम नमस्कार। हाँ जी सॉरी सर, सॉरी अपना जी, मैं उदयपुर से डॉक्टर अखिलेश शर्मा हूँ। मेरे पैरेलल में कोई, हाँ मेरे पैरेलल में कोई और भी बोल रहे हैं, वो या तो वो बोल रहे हैं या मैं। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, क्योंकि मैं 2006 में गुरुजी से मिला था, डॉक्टर एस के सैनी साहब से। वो उदयपुर में उन्होंने कैंप किया था जी जी, तो उनसे हमने अटेनमेंट किया था और उनसे लामा फेरा सीखा था, साल्विक मंत्र रहस्य सीखा था, उन्होंने कुछ न्यूमोलॉजी सिखाई थी। पर वो उनके जाने के बाद में एक ऐसा चैनल जो विलुप्त हो गया मेरी नज़र में, वो आज वापस आप लोग मिले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उनके सिखाने के बाद से आज मैं काफ़ी सालों से ये मैं कर रहा हूँ हीलिंग, और हम सब वास्तव में बड़े फॉर्चुनेट हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके लामा फेरा सीखने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी जो नए लोग हैं या अभी जो शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लामा फेरा जब सीखेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके हाथ में क्या लगा। बिल्कुल, मतलब दे आर सच ए वंडरफुल थिंग कि आप उनको शब्दों में कह नहीं सकते। उन्होंने, गुरुजी ने बहुत अपने तरीके से कस्टमाइज भी करके सिखाया था, उसको एडवांस में भी वो जो 100 के जो 3 सेट्स होते हैं उनके साथ भी जोड़ करके सिखाया था। तो आगे बहुत स्कोप है इसको सीखने का, और इसको सीखने के बाद लगेगा कि वास्तव में हमने कुछ से जाना है, सीखा है, हाँ। और हम किसके लायक हैं जो लोगों की सेवा कर सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा आप लोगों से। सही कह रहे हैं, थैंक्स लॉट। क्योंकि इसी के जो लेवल्स हैं वो काफी हैं, अभी तो हम सिर्फ 2 ही लेवल सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो सैनी जी ने और भी चीजें करी हैं वो डिफरेंट मोडालिटीज हैं, जैसे आगे फिर ओंकारा विथ हलीम आ जाता है, शावलिक मंत्र रहस्य आ जाता है, योग माया है, बिल्कुल क्या सपोरा है करके कुछ एक, वो भी है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सपोरा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अलग अलग मोडालिटीज हैं, बहुत बहुत सुंदर मोडालिटी है ये। हाँ जी मैम, सेकंड लेवल के बाद हम लोग टीचिंग में आ सकते हैं? सेकंड लेवल के बाद जी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मैंने फिर वही कहा ना आपको, जब तक आपको लगे नहीं तब तक ना जाए। देखिए ये इंडिविजुअल है, एक्चुअली यही है मैडम, एक्चुअली ये क्या है, लामा फेरा सीखने की बात नहीं है, ये बेसिकली क्या एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे ना, तब तक ये इसमें उतनी सक्सेस मिलती नहीं है। सबको इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, जैसा कि आपने शॉर्टकट में ही पहले ही समझा दिया लोगों को जी। वो समझ में आ जाए तो फिर आगे का रास्ता क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले खुद पे आजमाएं, अपनी लाइफ सॉर्ट करें, तब आप दूसरों तक जाए। देखिए जब हम प्लेन में जाते हैं ना, और सबसे पहले वो जो एयर होस्टेस होती है वो यही कहती है, अगर कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो बच्चे से पहले खुद को ऑक्सीजन दो, है ना, उसके बाद बच्चे को लगाओ या किसी और को लगाओ। वो वही चीज सब जगह लागू होती है, पहले खुद को क्लीन करें, खुद को समझें, आपके खुद के सोल पर्पस को समझें कि आप दुनिया में आए क्यों हो भाई, ये दुख लेने आए हो या इस दुख को खत्म करने आए हो, वो चीज को समझो और फिर आप दूसरों के दुखों को दूर करें। तो ये एक जर्नी है, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको सिखा दिया चलिए 1 मंथ या 2 मंथ की जर्नी हो गई और 2 महीने में हो गया सब, आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। खुद पे आजमाएं, डेली बेसिस पर आजमाएं, और जैसे कि हम करते ही हैं, अभी जो यहाँ पर ऑलरेडी करे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जिनको मैं देख पा रही हूँ, तो वो भी जानते हैं कि पहले हम किस तरह से हमारा प्रोसेस होता है, मेडिटेशंस होती हैं, इसमें आई टेक केयर कि आप लोग, मैं सिद्धिकरण भी 1-2 मतलब खुद करवाती हूँ, गाइडेड सिद्धिकरण कराती हूँ, है ना, आपके मेडिटेशंस होती हैं साथ में। Okay. Actually, so, I'm putting the slideshow. Can you please run through that? Sir, आपको मैंने होस्ट बना दिया है। हाँ, मैं एक बार slideshow screen पे लगा रहा हूँ। मिला जी, सर का हो जाए, फिर मैं आपका question लूँगी। ये आपको help करेगा। आप जो explain कर रहे हो, can you please go through that? हाँ जी, ये course content है, जिसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका ऑरा चक्रा भी इसीलिए हम पहले क्लीन करते हैं, उसके मेडिटेशंस करवाती हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद फिर आपका ये जो लामा फेरा है, एक के बाद एक जो आपका कोर्स आता जाएगा वो हम बताते जाएंगे, आज ये कराना है, आज ये है, इस तरह से आपका कोर्स कंटेंट पूरा चलता जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया 1st मंथ में आपका 6 सिम्बल्स होंगे, 2nd मंथ में नेक्स्ट 6 सिम्बल्स होंगे। 1st मंथ जो बताया है आपको कि उसके अंदर आपको ये दिया जाएगा, सिद्धिकरण होगा और अट्यूनमेंट दी जाएगी। 2nd मंथ में भी अट्यूनमेंट और सिद्धिकरण होगा, वो डिफरेंट होगा, और आपको उससे पहले आपको अपना इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी कि अगर आप क्रिस्टल भी रखकर लामा फेरा करना चाहते हैं, उन सिंबल्स को करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको वास्तु हीलिंग आएगा, ब्लैक मैजिक कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा, नेगेटिविटी घर की, ऑफिस की जो होती है वो भी निकालना बताया जाएगा, और प्रैक्टिकली भी मैं आपको एक बार करके जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। इसमें अट्यूनमेंट्स होंगी, वो प्री बुक्ड होंगी, तो उसका है आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, देन कोर्स जो है वो लाइव जूम क्लासेस पे रहेंगी, ट्यूजडे और थर्सडे है 4 बजे, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहा है, जो भी क्वेरी होगी, आप वहाँ डिस्कशन ग्रुप में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है आप उसके अंदर डालें, तो वहां पर आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, सेकेंडली, हाँ जी, तो ये टोटल पे है मैम। वेडनेसडे एंड फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे एंड फ्राइडे कहाँ लिखा है? अच्छा, ओह सो सॉरी, सॉरी, वो एक्चुअली दूसरी क्लास थी तो वो मेरे दिमाग में रह गई, ट्यूसडे थर्सडे की। तो ये हाँ जी, ये वेडनेसडे एंड थर्सडे है, वो सॉरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे है। और 13 जुलाई बहुत अच्छा दिन है, सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन ये शुरू हो रहा है। तो अब मैं इसके आगे आप लोगों को क्या कहूँ, 4 बजे शाम को स्टार्ट होगी। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट एट 4 o'clock इन द इवनिंग ऑन द 13th of July. It's a very auspicious day to start the healing modality. It's a very auspicious day to start the healing modality, which is discovered and provided by the Guru, Bodhi Guru, right? So this itself a very powerful day. And good to start with this modality. Now, इस modality में जैसे अभी अंशु जी ने बताया था, this is a master teacher's course basically. ये 2 level के बाद आप काम कर सकते हैं अपना। इसके बाद होमकारा विद हीलिंग का एक लेवल अगर आप और कर लेंगे तो इट विल बी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन प्रोसीड विद योर लेवल ऑफ टीचिंग ऑन दी मोडालिटी सब्जेक्ट टू दी योर ओन प्रैक्टिस इन द फ्यूचर। वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जैसे लिखा हुआ यहाँ पे सारे कोर्सेज जूम पे होंगे, रिपीट फ्री होगा इसमें, एंड इसकी जो जर्नी है दैट इज 2 months जर्नी, राइट? आई जस्ट राइट इट हियर, 2 months जर्नी होगी ये। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 2 months जर्नी। 2 month जर्नी में इसमें जो उसकी फीस होगी वो 2,107/2 = 4214 और न्यू पार्टिसिपेंट्स होगी 4214। The new participants will get 25% discount, and that will comes to 3158. Those who are not a part of the academy member basically 3158. इसके अंदर जो existing participants हैं उनकी जर्नी 1579 होगी, multiplied by 2 = that's 3158. इसमें एक important चीज ये है, as per the existing practice, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है दे विल गेट 15% डिस्काउंट, देन द प्राइस फॉर देम विल कम टू 2685। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये कि इसमें 3 अट्यूनमेंट्स होंगे व्हिच इज 1 to 1 एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये जो 3 अट्यूनमेंट 1 to 1 होंगे ये ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट है, जो कि लामा फेरा के अंदर या जनरली आजकल जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसके अंदर 1 to 1 अट्यूनमेंट की जो प्रथा है वो काफी हद तक लुप्त होती जा रही है और लोग मास अट्यूनमेंट करते हैं, लोग। और अपनी जगह पे वो भी सही है या गलत है दैट्स अ सेपरेट पार्ट। यहाँ पे अट्यूनमेंट मास अट्यूनमेंट नहीं होगा। सो कंसीडरिंग द फैक्ट जब 1 to 1 अट्यूनमेंट होता है इट्स अ वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव, और उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भी लगती है फैकल्टी की, एंड जब फैकल्टी की एनर्जी इसमें यूज होती है काफी अच्छी एनर्जीज यूज होती हैं इसमें, एंड दैट हैव सम पावर दैट्स टू बी यू नो इट्स बीन आइडियली इज टू बी यू नो बीन टू पे बैक टू दैट एनर्जी। सो दिस इज अ कोर्स कैरिकुलम फीस राइट। सो व्हेन जो लोग अट्यूनमेंट 1 to 1 लेना चाहते हैं और फैकल्टी से ड्यूरिंग द जर्नी 1 to 1 करना चाहते हैं, जो 1 to 1 अट्यूनमेंट करेंगे there the discounts are not applicable right। जो 15% discount हमने बोला या 25% discount हमने बोला that would not be applicable, so उनको that fee become the full fee, which means अगर हम attunement 1 to 1 लेते हैं this discount will be strike off, so because that connects with the energy of the faculty directly or it's a transfer of energy, rather I would say very state attunement is nothing, it's a transfer of energy. One person transferring the energy to other by connecting the soul to that energy, and by their own energy जो उन्होंने over a period of प्रयास करके earn करी, over a period of time उन्होंने gain करी, साधना करी, and that's by doing that they transfer। इसे गुरु शिक्षा पद्धति जो पाली अंशु जी ने बता दिया, considering the fact of गुरु शिक्षा पद्धति and the through that Anshuji is transferring the energy by the process of the attunement to their students. So this is how it is been designed. ये course का structural design है and Poonam जी का इनका number लिखा हुआ है यहाँ पे, that number can be used for the payment and इसमें 2 number नीचे दिए हैं, this number are to be used for the screenshot. Anything with respect to this one can ask the question and ये जो पूरी detailing thing that is being shown on to you on the screens. Sir, can we pay in 2 installments then? Yes, you can pay 2 installments. And sir, one more question is the instrument, the price of the instrument of Lama Fera's. Lama Fera kit, that is Lama Fera kit. Yes, kit. Yes. All right. So I write it here. Lama Fera kit जो है that is specially designed for the purpose of the course. That costs 3,000 rupees plus usually 150 courier लगता है, that is as per the actual. जो भी courier लगेगा, अगर किसी का दूर का होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा, किसी का पास का होगा तो कम लग जाएगा। एक एवरेज हमने लिया है, नॉर्मली 350 courier लग जाता है इसमें। So that's how it's been designed. The kit is specially designed for this journey. That costs 3,000 plus 150 rupees for the kit offer. Sorry, courier of it. Right. This is how the journey has been designed, and one must can enjoy the journey and can do. See, it's a Lama Fera की जो अच्छी journey जो लोग करवाते हैं, and like the Anshu ji is doing the journey. The Lama Fera is a very costly modality, मार्केट में लोग जो जिनको अच्छे से आता है और जो लोग अच्छे से कर पाते हैं, they don't do like charity kind of work. And our program is being a non-profit organization, non-profit body. So Anshu ji is doing it, and that's a great trust to her that at that pricing and administrative cost only she is doing the activity. And the important thing that I told her, if we should continue with the discount, then the she says that sir, mujhe problem nahi hai, lekin main one to one that I told her to do the mass attunement process during the class. She denied. She denied straightway. She said, "अगर मैं करूँगी तो one to one attunement के साथ ही करूँगी. This is the right विधि of Lama Fera. मैं Lama Fera की विधि पे compromise नहीं करूँगी. That's the stand of her. When the her stand is like this, तो then उसके इसमें हमारे को जो हमारी offer है, that offer is to be compromised because attunement अपने आप में energy exchange होना चाहिए उसका. And we design it कि ठीक है, we will not go with the discount offer जो हमारा ऑनलाइन डिस्काउंट ऑफर रहेगा इस मॉडल के साथ we will not go with this. So that's how the designing is done. और किसी का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो प्लीज ask the question. Right? Thank you. प्रमिला जैन जी का बहुत देर से हाथ दिख रहा है. You may please take it. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो लोग हमारे पास किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेंट नहीं है, I am putting a link on the chat. आप उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और दोज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अवर एकेडमी किसी भी ग्रुप में है, दे मे नॉट नीड टू ज्वाइन इट अगेन. सो आई एम पुटिंग अ लिंक इन द चैट, प्लीज ज्वाइन द चैट इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एकेडमी. थैंक यू. आई एम पुटिंग ऑफ दिस स्क्रीन और इसका पिक्चर आप ले सकते हैं. इसका आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा, पिक्चर ले लीजिएगा इसका एक बार, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा. इसी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. जो नीचे दिए दो नंबर दिए गए हैं नीचे, यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट आएंगे 7982552301 या 9999119519. इन दोनों नंबर पे आप फोन से भी संपर्क कर सकते हैं. इन दोनों नंबर पे तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. यस अंशु जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू. हाँ जी प्रमिला जी, आप पूछें. मैम मुझे आपका व्यू जानना था कर्मा थियरी पे कि जब हम कोई भी मोडेलिटी यूज करके हीलिंग करते हैं तो हम वो पर्सन के कर्मा के बीच में आ रहे या क्या इफेक्ट है एक्चुअली. थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन किया क्योंकि मैं बार बार एक चीज जब बोलती हूँ कि भाई हमें मीडियम बनना है, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि हमें एक मीडियम बनके ही ये सारी मोडेलिटीज कोई भी हीलिंग हो आप में एक मीडियम बनके करें. तो वो मीडियम बनने की जो एक जर्नी होती है ना, कि जो मैं बोलती हूँ आप अपने अंदर वो सिंबल्स लीजिए, प्रॉपर मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को पहले क्लीन कीजिए, अपने आप को प्योर कीजिए. जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं दूसरों को हीलिंग करने के या उनको सिखाने के, तब ये कुछ भी आपके ऊपर नहीं आता है. ये तभी आता है जब आप वीक हो. आप देखिए चीज को समझिए, मैंने आप लोगों को ऑरा का पिक्चर दिखाया था जो डिप्लीटेड था, है ना. अब अगर कहीं पर ऐसा मान लीजिए, चलिए वो भी छोड़िए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. कहीं जैसे आपने कहीं पर एक लोहे की दीवार बनाई है और कहीं पर ऐसी दीवार बनाई है जो एक मुक्के से टूट जाए. ओके, एनर्जी आई, फुल फोर्स में आई, कौन सी दीवार टूटेगी? वीक वाली. हाँ, तो आपको क्या करना है, वो वीक वाली दीवार को अपने आप को आयरन की वॉल बनाना है. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेडिटेशंस करने पड़ते हैं, अपने अंदर वो एनर्जीज को समाना पड़ता है, उससे एक होना पड़ता है. और जब भी आप कभी भी कोई भी मोडालिटी करें, कोई भी हीलिंग एनर्जीज के ऊपर काम करें, जब तक आप वो एनर्जी और आप एक नहीं हो जाते हैं तब तक वो एनर्जी का फ्लो भी आपके थ्रू नहीं होता है. आप कितनी कुंडलिनियां जागृत करवा लें, आप कितनी मेडिटेशंस कर लें, लेकिन जब तक आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका हार्ट प्योर नहीं है, आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, तब तक ये काम नहीं करेंगी चाहे आप कुछ भी करें. ठीक है, तो पहले इसीलिए बार बार यही बात है कि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है, आई होप सो प्रमिला जी आपका क्वेश्चन आंसर दे पाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. ये जो 21 डेज का मेडिटेशन है, ये का मतलब जब से क्लास स्टार्ट होगा तब से 21 डेज तक चलेगा, फिर सेकंड मंथ में भी सेम होगा मैम? देखिए इसका एक प्रोसेस है. पहले तो आपका ऑरा चक्रा क्लीन किया जाएगा, जो आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगी. I'll teach you how to do it on daily basis. ठीक है, 7 चक्रा है, 7 औरा है, वो आप खुद करोगे डेली बेसिस पर। वो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, वो मॉर्निंग में मैं करवाती ही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मैं 21 दिन का आपको बोलती हूँ कि आप सिद्धिकरण करें, जो होता है प्रोसेस वो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको उसका ऑडियो शेयर किया जाएगा। अगर किसी को बहुत तकलीफ है, वो 21 दिन का नहीं कर सकता है, तो मिनिमम प्लीज 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 11 दिन तो आपको करना ही है। प्रिफर्ड है 21 दिन, क्योंकि 21 जो आंकड़ा है वो गुरु का आंकड़ा है। ठीक है, सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों इसमें है, तो उसकी जो एनर्जी है वो एक अलग लेवल की है। ठीक है, तो इसलिए 21 दिन कहा जाता है। आप एक मिनट नम्रता जी, 21 दिन की आप सिद्धिकरण करवाऊंगी मैं, आप लोगों को ऑडियो दूंगी, आप लोग करें। टाइम नहीं मैच होता है, आप अपने से करें, लेकिन आपको यू नो मैं सबकी एक्चुअली एक अकाउंटेबल पार्टनर भी रहती हूँ इसमें। आपको मुझे बताना होता है कि हाँ आज का मेडिटेशन हमने कर लिया। So this message has to come daily to me, चाहे आप वो बेसिकली आप ग्रुप पे ही डालेंगे। ठीक है, until unless कोई बहुत पर्सनल या प्राइवेट कुछ बात आपको करनी है, उसके अलावा आप ग्रुप में ही सारे मैसेजेस डालेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ और किसी को भी पता होता है उसका आंसर, और इस बहाने बहुत सारे लोगों की एक ही क्वेरी सॉल्व भी हो सकती है। ठीक है, और जब भी हम लामा फेरा करते हैं या इस टाइप की कोई भी मोडालिटी करते हैं, तो हमारा एक संघ बन जाता है। संघ समझते हैं ना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, तो ये संघ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब इस संघ में आप कोई क्वेश्चन डालेंगे तो 100% आपकी क्वेरी शांत होगी। ओके, सो आई होप सो। तो लिखा जी और मैम ये किट क्या फर्स्ट खरीदना मतलब लेना होगा या बाद में भी परचेस कर सकते हैं? ये किट विद इन अ मंथ आपको लेनी होगी, बिकॉज आप अगर हीलर बन रहे हैं, इससे प्रैक्टिस करना होगा। आफ्टर सिद्धिकरण आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ओके ओके मैम, है ना। हाँ जी, दर्शन जी आपका हैंड रेज है। नमस्ते मैडम, मैंने कल ऑलरेडी एनरोल कर लिया है अपने 2 मंथ्स के लिए, और पूछना था मैडम कि ये हीलिंग में हम लोग कैसे जाने? ये एक्चुअली आगे का क्वेश्चन है, मैं पहले ही पूछ रहा हूँ। पूछे बिल्कुल। कि सामने वाले हम लोग ने किसी को हील किया तो उसके चक्रा बैलेंस हो चुके हैं, उसकी निगेटिविटी चली गई है, या कैसे पता चले? या अभी मेरे पास काफी, मैं एक्चुअली फुल फ्लेश हीलर नहीं हूँ, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर मास्टर शाह का मैंने डिवाइन हीलिंग हैंड किया था, जो इंडिया में प्रैक्टिस करवाते हैं। जी। तो बट उसमें मुझे दिक्कत ये हो रही थी कि इवन खुद पे भी मैं कुछ इशू के ऊपर ये करूं अगर मैं, तो मुझे वीकनेस काफी ये हो रही थी, और किसी को भी हीलिंग दूंगा तो वापस मैं वीक गिर जाता था, तो मैंने वो बंद कर दिया। 2012 में कर रहा था, बाद में मैंने कंप्लीट स्टॉप कर दिया। आपने ग्राउंडिंग करते थे? आप ग्राउंडिंग नहीं करता था एक्चुअली। उसमें क्या था कि आप पहले आपका एनर्जी ये स्टोर करो, उसके बाद ही आप किसी को दो, तो वो नहीं हो पाता था सर। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जो ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट का शेप कैसा होता है? स्ट्रेट, दोनों तरफ से एनर्जी प्लग्ड होती है, राइट? तो अगर आप एक ही तरफ से एनर्जी करते जाओगे तो वो फूट जाएगी। इट शुड बी, हमारा अर्थिंग होता है, जब बिजली कड़कती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अर्थिंग लगाया जाता है, वो चिड़िया जैसा देखा होगा, 3 बनते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि अगर कुछ एक्सेस कुछ भी आ रहा है तो वो सीधा ग्राउंड में चला जाए और आप सेफ रहो, राइट? सेम वे एनर्जी भी वही है, ऊपर से आती है, नीचे तक जानी चाहिए, हम सिर्फ एक पाइपलाइन है। ठीक है ना, तो इस पाइपलाइन को आपको मजबूत करना है, जो मैंने कहा ना स्टील की बॉडी बनानी है, अंदर से बनाना है आपको इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कि वो एनर्जीज जब आपके अंदर से फ्लो होती है और वो ग्राउंड में जाती है, तो आप सिर्फ एक माध्यम बनते हो। और जब हम एक माध्यम बनते हैं ना, तो आधी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारा ऑरा चक्र ऑलरेडी क्लीन हो गया होता है। और मैडम और एक बात है, मैंने लास्ट 8 और 10 डेज पहले मैंने लामा फेरा का 6 सिंबल का अट्यूनमेंट लिया है, एक तरह से, बट उन्होंने फुल फ्लेज ऐसा कोर्स नहीं करवाया था, तो थोड़ा सा ये हो रहा था, तो मैंने बोला सोचा कि आपका लास्ट मैंने वीडियो देखा था, मैंने बोला फुल फ्लेज कर लो। कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मजा आएगा। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जैसे मैं नाम देख सकती हूँ, हैप्पी सिंह जी कहाँ गए? हाँ जी, हाँ आपने कोर्स किया है ना? हाँ जी मैडम, हाँ जी। तो आप थोड़ा इनलाइटन करें सबको कि कैसा रहा आपकी अभी तक की जर्नी और कैसा लगा आपको इस पे। देखिए क्या होता है, ओल्ड पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना वो बता सकते हैं, उनकी दिल की बात बोलिएगा सर, ऐसा नहीं कि मैं बैठी हूँ तो आप कुछ और लगा लेंगे। दिल की बात ही बोलूंगा। ऐसा है ना मैडम, मैंने बहुत जगह कई ट्राई मारी थी, कई पद्धतियां सीखी, लेकिन उनमें मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। इसमें थोड़ा जो मिला है वो सभी से हटके है, और आपने तो इतना गाइड किया है मैं आपको बता नहीं सकता। हर जगह हर टाइम आप साथ में खड़े रहते हो, सुबह मेडिटेशन में, तो आपकी तो क्या बात है, क्या ट्रीट किया जाए, आज जैसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल। मैम एक बात के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट नाइट सोती हूँ। ये मेरा पढ़ाई मुझे रात में ही करना होता है, इसलिए मैं प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली करूंगी मैम, इसलिए सॉरी। सॉरी नहीं बोलना, देखिए वो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपको मैनेज करना है। आप किसी के ऊपर, आप देखिए जब आपने रियलाइज कर ली ना कोई चीज कि हाँ ये आपसे, आपको इस चीज के ऊपर सुधार करना है, ठीक है, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग तो समझ ही नहीं आती कि हमें प्रॉब्लम क्या है और हमको क्या चीज ठीक करनी है। नहीं मैं एक्चुअली रोज ही मेरा 2-2:30 बज ही जाता है रात में, तो 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैम मैं डेली अपना जो होता है दूसरा जो हीलिंग करी है तो उसका मैं डेली मेडिटेशन में करती हूँ अपने ऊपर। बिल्कुल। और मैम आपसे तो मैं ब्रह्मणीय ऊर्जा वाला कोर्स जो अभी हम लोगों ने खत्म किया, उस टाइम से तो मैं आपसे बोली थी मैम मुझे लामा फेरा करना है, कब लाइएगा तो मैम लेकिन बोली थी आपको जुलाई में आ जाएगा, चिंता ना करें। पता नहीं मैम क्यों मुझे ये लामा फेरा वर्ड से इतना अटैचमेंट हो गया, कैसे क्यों पता नहीं, मुझे बहुत करने का मन हो रहा है कि ना लामा फेरा मुझे करना है, पता नहीं क्यों, शायद ये कुछ डिवाइन गाइडेंस हो सकता है मेरे लिए। देखिए मैं तो ये मानती हूँ, मैं हमेशा जब भी कोई वेबिनार होता है या जो भी किसी की हीलिंग भी करती हूँ तो मैं सिर्फ लॉर्ड बुद्धा के आगे ये इंटेंशन डालती हूँ कि आपके हिसाब से जिसको जरूरत है वो अपने आप आ जाएगा। मैं आप हम में से, देखिए ये हीलिंग जो होती है यूनिवर्स से चलती है, ठीक है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना वो खुद उस तक चल के आती है, उसको वहीं से गाइडेंस मिल जाती है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, आप किसी को पकड़ के नहीं करवा सकते। यस मैम, है ना, तो अपने आप गाइडेंस आती है, ठीक है। हाँ जी बोले नम्रता जी। मैम मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी है। मैं मेडिटेशन में सवेरे नहीं, इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरी रेकी की मेडिटेशंस चल रही हैं, रेकी भी। हाँ तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फिर दोनों की टाइमिंग्स अगर क्लैश करेंगे, आपका मेडिटेशन मैं बात करूंगी, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे हैं, जो किसी भी कोर्स में नहीं है, तो उनको मैं वो कोर्स का मेडिटेशन नहीं करवा सकती, है ना। तो उसके लिए देखेंगे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग्स अगर आपस में अगर हो जाए, करना तो हमें है सब कुछ। उड़ने में उड़ सकती हूँ जी, हमने शेड्यूल किया हुआ है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे भी जो बेस्ट होगा सबके लिए वही करेंगे, डोंट वरी। ओके आकांक्षा जी अपना वीडियो ऑन करें पहले प्लीज। मैम आई एम वेरी सॉरी, वीडियो में ऑन बोले, आपका क्वेश्चन बोले आप। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बताएं। मैम एक्चुअली मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था, प्लीज मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि मतलब जैसे ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है या मास्टर लेवल है, ये कैसे है ये? देखिए दो लेवल का होता है, फर्स्ट होता है हीलर लेवल और सेकंड होता है टीचर लेवल, ठीक है। इसमें टोटल 12 सिंबल्स है। फर्स्ट 6 सिंबल्स आपको फर्स्ट मंथ में सिखाए जाएंगे, सेकेंड जो बाकी के 6 सिंबल है वो आपको नेक्स्ट मंथ में सिखाए जाएंगे। अट्यूनमेंट सिद्धिकरण सब किया जाएगा। मैम ये 2 मंथ में कंप्लीट हो जाता है लामा फेरे? जी जी बिल्कुल हो जाएगा। और मैम ये स्टार्ट कब से? एक्चुअली राइट नाउ तो मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और मैं वहीं से ही मतलब बात कर रही हूँ, तो मे बी आई थिंक टुमारो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा बिकॉज टुडे आई एम फाइन, तो शायद कल तक हो जाएगा। अब परसों से हम शुरू कर देते हैं फिर, तो हम एक काम करते हैं, हम परसों से ही शुरू कर देते हैं, आपका बच जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। 13 से स्टार्टिंग है ये, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 से है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन से ही है, चिंता ना करें आप, मिस नहीं करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। दर्शन जी ने भी अपना हैंड रेज किया था, दर्शन जी आपका प्रश्न पूछे? मेरा हो गया, मैंने पूछा था, हो गया सर का ऑलरेडी ज्वाइन। ऑलराइट, ग्रेट। सो एनीवन वांट्स टू आस्क तो आप अभी पूछ सकते हैं। सो आई पुट अ लिंक इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में एक लिंक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हमारे ग्रुप में या अकेडमी में ज्वाइन नहीं है वो लोग ज्वाइन करें प्लीज, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड आई एम पुटिंग वंस अगेन दी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्ट्रक्चर। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th of July, वेडनेसडे फ्राइडे 4 PM, राइट। 1559 पर मंथ फीस रहेगा इसका। अटूनमेंट, बिकॉज ऑफ दी अटूनमेंट, दोज हू आर टेकिंग द अटूनमेंट देयर विल नॉट बी 15% ऑनगोइंग स्कीम फॉर देम। Those who are joining first time academy, the fees is 2107 per month. And it's a 2-month journey. One can make payment on this number 90133309 का payment कर सकते हैं। और इन दो नंबर पे नीचे दो नंबर दिए हैं, इनके पास अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। और इसी दो नंबर पे करें, किसी और नंबर पे नहीं करें, नहीं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में दिक्कत होती है। और साथ में जो ऑफर्स, ऑनगोइंग ऑफर्स अकेडमी टाइम फ्रेम शेयर करती है, वो ऑफर्स भी वहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। तो जो स्क्रीनशॉट इन दो नंबर पे शेयर किए जाएंगे वही ऑफर्स जो है वैलिड होंगी, जितनी भी ऑफर्स एकेडमी शेयर देती है टाइम फ्रेम, राइट। सो प्रभु जी ने हैंड रेज किया, प्रभु जी आपका क्वेश्चन बोले। इसमें किट भी है क्या? किट अलग से है, किट इसमें नहीं है। किट वी विल प्रोवाइड सेपरेटली, दोज हू आर इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर किट। जिसके पास किट है उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास है, उसके पास परफेक्टली ओके, दे कैन कंटिन्यू विद देयर किट्स। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, अदरवाइज वी स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम 13th of July, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, अच्छा दिन, गुरु का दिन, एंड इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट विद लामा फेरा मोडालिटी, राइट। एजुकेशन भी होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और लामा फेरा हम मेडिटेशन से ही शुरू करेंगे, तो एक अलग टाइप की एनर्जी रहेगी उस दिन। और नंदिनी जी आपका जो क्वेश्चन था मैंने पढ़ा चैट में, अभी थोड़ा हमें टाइम थोड़ा सेट करना है, जैसे मैंने अभी उनको भी बताया, तो वो सेट हो जाएगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लैश हो जाएगा कि हम मेडिटेशन का क्या टाइम रखेंगे। हाँ, बिकॉज मॉर्निंग वर्किंग मीन्स आई कैन नॉट ज्वाइन इन द मॉर्निंग टिल 4 o'clock, आई कैन 3:30 एटलीस्ट आई कांट ज्वाइन, सो आई वांटेड टू नो मैम, दैट्स ऑल। Right. ठीक है, तो आज की सभा को समाप्त करने के लिए आप सबसे इजाजत, एंड वी सी यू ऑल ऑन दी मंडे, सॉरी वेडनेसडे। एंड जब तक आप लोग अपना अपना एनरोलमेंट करवा लीजिएगा, डिटेल आपके पास शेयर है। आप सबका कीमती समय देने के लिए, आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी कल, आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आत्मा नमस्ते आप सभी को, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते। वेट कर रही थी कि कौन बोलता है, इसलिए मैं चुप थी, मैंने आज किसी को आत्मा नमस्ते नहीं बोला, मैंने कहा देखो मैं फर्स्ट में सोची थी कि मैम वीडियो ऑडियो ऑन करके पहले मैं आपको आत्मा नमस्ते बोलूं, लेकिन भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू, नमस्कार सब लोगों को, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।